इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एमीटोन। इंस्टा फार्मा की ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है उसका नाम है एमीट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, 10 मिलीग्राम में आती है। इसके अलावा इसकी और भी डोजेज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम, ये मुख्तलिफ डोजेज मार्केट में आती हैं। एमीट्रिप्टाइलिन एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, यानी कि ये जो आपके ब्रेन में जाके अपना एक्शन देती है, तो यानी कोई ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक ब्रेन से होगा उसमें यह मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैं बीमारी का नाम लूं डिप्रेशन। डिप्रेशन असल में ये होता है कि जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियां महसूस करना छोड़ दें, शादी में आपको खुशी नहीं हो रही, किसी का इम्तिहान में कामयाबी है पर आपको खुशी नहीं हो रही, आपने नई गाड़ी खरीदी है आपको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, इसको कहते हैं कि आपको डिप्रेशन हुआ होगा। तो डिप्रेशन में तकरीबन 25 से 50 मिलीग्राम तक की मेडिसिन इस्तेमाल होती है, अक्सर रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं, दिन के टाइम इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर रात के वक्त में इस्तेमाल होती है, 5 से 7 दिनों तक इस्तेमाल होती है और ज्यादातर ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, आपको प्रेस्क्राइब होगी तो तभी आपको मिलेगी, डायरेक्ट आपको मेडिसिन फार्मेसी से नहीं मिल सकती। इसके अलावा एक बीमारी होती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, ये जो जिन लोगों को हर्पीज वायरस की बीमारी होती है और हर्पीज के बाद उनको न्यूरालजिया हो जाता है, थोड़ा ब्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, उस प्रॉब्लम में भी तकरीबन 3 हफ्तों तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी हाई डोज में 65 से 100 मिलीग्राम तक जाती रहती है। अच्छा, जिनको माइग्रेन है, नींद सर का दर्द, माइग्रेन में भी 10 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम तक इस्तेमाल होती है रात के टाइम, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर कोई है, खाने पीने का मसला है, 150 मिलीग्राम तक की टेबलेट इस्तेमाल होती है 8 हफ्तों तक, और वो भी रात को, दिन को नहीं, क्योंकि दिन को अगर आपने इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर ली तो आपके रोजमर्रा के जो काम है वो रुक जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस कुछ बातें आपने याद रखनी होती हैं कि अच्छा, जो लोग इसके इस्तेमाल करते हैं उनको सुसाइडल थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं, यानी मेडिसिन का कभी उल्टा असर हो सकता है, तो इसका खास ख्याल रखें। बच्चों में इस्तेमाल हो रही है तो उसका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ हो तो हार्ट अटैक के बाद आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इस मेडिसिन के साथ में कोई दूसरी मेडिसिन भी इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा गैप देंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को पहले से हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, यानी ब्लड प्रेशर कम होता हो, कभी कभी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। प्रेगनेंसी में यह मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और गायनेकोलॉजिस्ट जिस तरह से आपको रिकमेंड करे उसके मशवरे के मुताबिक आपने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि उनको भूख नहीं लगती या जो है बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को तो इवन डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम बढ़ जाता है हाइपोटेंशन का कि ब्लड प्रेशर उनसे अक्सर कम हो जाता है इस मेडिसिन की वजह से, तो इसलिए इस बात का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बाकी आपका कोई भी सवाल हो एमीट्रिप्टाइलिन के हवाले से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।